हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग के लिए। बहुत सारा डिमांडेबल अभी देख रहे हैं कि एएलपी एएलपी चल रहा है, तो एएलपी का वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आपका एएलपी का सिलेबस क्या है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं 2018 वाला जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें जो है हम खुद एएलपी का एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, एएलपी का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, पीटी मेंस साइको वाइको सब कुछ, ठीक है। तो पूरा आपका एएलपी का तैयारी भी हम आपको करवाएंगे। साइंस में तो पूरा आपको झंडा गार्डनिंग और बेसिक इंजीनियरिंग वाला जो है उस पे। लेकिन आइए जरा सा हम लोग डिटेल देखते हैं, नोटिफिकेशन सब कुछ क्या है आपको आइए दिखाते हैं। आइए देखिए, ये जो है आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं भैया, ये आपका 2018 का नोटिफिकेशन है। उसके बाद जो है हम लोग जो है सिलेबस भी यहाँ पे देखेंगे कि आपका पीटी में मेंस में कितना नंबर लाना था, कितना आपका क्वालिफाइंग नंबर आता है, कट ऑफ आपका लगभग कितना गया था, इसको भी जो है 2018 वाला देखेंगे। चलिए आइए यहाँ पे देखिए क्या है, ये आप देखेंगे तो ये आपका कब आया था नोटिफिकेशन, आपका 3/2/2018 में आया था, इसको हम लोग डिस्कशन कर देंगे। और आपका इलेक्शन था कब, तो 2019 में आपका जो है इलेक्शन था, ठीक है, और 18 में वैकेंसी आया था। भैया आइए उसके बाद जल्दी से, ये आपका मेडिकल के ऊपर है, तो A1 मेडिकल चाहिए, B1 मेडिकल के ऊपर जो है हम एक स्टैंडर्ड आपको अलग से वीडियो बता देंगे। हम लोग अभी सिलेबस पे फोकस करते हैं, ठीक है। आइए सिलेबस पे जल्दी से आ जाइए। ये देखिए अब, हाँ, एज लिमिट बहुत सारे का डिमांड है कि सर एज लिमिट क्या होता है। तो जब आपका फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था ना, तो आपका क्या था, 18 से 28 था, लेकिन इसको एज को आपको बढ़ा दिया गया था, 18 से जो है 30 इयर्स कर दिया गया था, 18 से 30 ईयर कर दिया गया था। पहले में नोटिफिकेशन में 28 आया था, बाद में जो है इसे 18 से 30 कर दिया गया था। तो 30 साल तक जो बच्चे हैं वो एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आइए यहाँ पे देखिए, 18 से ये क्या हो जाएगा, 18 से 30 तक हो जाएगा। अब आइए जरा सा, आप लोग का बहुत सारे डिमांड है सर एज लिमिट बढ़ना चाहिए कोविड के कारण। अभी आप देखें, हमें रिसेंटली एसएससी जीडी में 3 इयर्स का छूट एक्स्ट्रा दिया गया है। तो हम आशा यही करेंगे कि बहुत लोग परेशान है, हमारे पास मैसेज भी आया है कि सर हमारा एज काफी हो चुका है, अब हम भर पाएंगे कि नहीं। 2018 के बाद शायद एएलपी का वैकेंसी भी नहीं आया है, 2018 के बाद एएलपी का वैकेंसी भी जो है नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारे तरफ से आप लोग के सपोर्ट में पूरा डिमांडेबल होगा कि 3 साल का कम से कम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए, दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए, आइए जरा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए आपका क्या है, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा आपका पीटी होगा, मतलब सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, उसके बाद सेकंड स्टेज, उसके बाद आपका साइको। पहले आपका फर्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज होगा, उसके बाद आपका साइको होगा। उसके बाद आइए फर्स्ट स्टेज का आप देखिए, जो आप फर्स्ट स्टेज दीजिएगा 60 मिनट का है, 75 क्वेश्चन है, 60 मिनट का 75 क्वेश्चन इसमें आपका है। क्या क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, और आपका करंट अफेयर्स है। मैथ्स भैया, मैथ्स इसमें आपका कितना नंबर का है, तो मैथ्स आपका 20 मार्क्स का है, ध्यान दीजिए मैथ्स आपका है 20 मार्क्स का है, ठीक है। रीजनिंग आपका कितना नंबर का है, तो रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का है, रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का है। उसके बाद जनरल साइंस अगर देखा जाए तो ये आपका 20 मार्क्स का है। और जो हम लोग जनरल साइंस का क्लास करेंगे ना, जनरल साइंस का पूरा लेटेस्ट पैटर्न ग्रुप डी का आपका जो एग्जाम हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहले क्लास करवा देंगे। एनसीईआरटी का पूरा एकदम किताब को चाट जाना है, एकदम याद कर जाना है, आपको दिमाग में छाप लेना है। एनसीईआरटी का हम लोग पूरा उसी पैटर्न पे करेंगे। 20 मार्क्स का साइंस है, स्पेशल न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है एएलपी के लिए, तो न्यूमेरिकल का अलग से स्पेशल हम लोग क्लास करेंगे। उसके बाद आइए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये आपका है 10 मार्क्स का रहता है। टोटल अगर आपका कह दिया जाए तो टोटल आपका एक घंटा के अंदर में 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का है। और जानते हैं इसका कट ऑफ के करीब में कितना है भैया, एकदम बहुत ही सिंपल आपका कट ऑफ के करीब में 50%। पिछला वाला तो गया था 50% से अधिक कट ऑफ नहीं गया था, उससे कम था पिछला वाला जो कटअप गया था। हम एग्जाम खुद दिए थे और जो है हम एग्जाम को क्लियर भी कर चुके हैं, सब कुछ पीटी मेंस सब कुछ जो है कर चुके हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट पढ़ाने में है। आप लोगों के सामने इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है, और हम आपको मिलाएंगे भी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिलेक्टेड है। हम ऑफलाइन में पहले ये करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट हम आपको मिलाएंगे भी, एएलपी के बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो कि जॉब ले चुके हैं, ग्रुप डी में बहुत सारे स्टूडेंट जॉब ले चुके हैं, सबसे मिलाएंगे। इसमें आपका ना 75 मतलब पकड़ लीजिए कि 35 से 40 मार्क्स के करीब में कटअप गया था, इतना आसान है। लेकिन क्या मेहनत आपको करना है, मेहनत आपको करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, वो तो हो गया पीटी का। सेकंड स्टेज में आपका देखिए, सेकंड स्टेज आपका 2.5 घंटा का होता है, 2.5 घंटा, 2 घंटा आधा मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, देखिए 2.5 घंटा का, जिसमें से पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए कितना है, 90 मिनट का है, 1.5 घंटा का है, पार्ट बी आपका 1 घंटा का है। 1 घंटा का ये क्या है, ये आपका ट्रेड है, 75 ट्रेड है आपका, 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का ट्रेड है। और ये क्या है आपका, 90 मिनट में पार्ट बी है। ट्रेड वाला जो है आपका सेक्शन जो है पार्ट बी वाला, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप पहले ट्रेड पास होइएगा
तभी आप जो है आपका मेंस का जो है कॉपी चेक होगा, सिंपल बात यही है। और मेंस का आधार पे आपका पार्ट ए का आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आइए आपको दिखाते हैं सेम सिलेबस, उसी हिसाब से यहाँ पे भी आ जाइए। मैथ से आपका जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल, ये आपका बेसिक साइंस सबसे अधिक मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। और ये जो हम क्लास करवाएंगे ना बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, साइंस वाले डिपार्टमेंट का पूरा तहलका मचाएंगे। बेसिक साइंस 40 में से आपको वादा करते हैं 35 नंबर जो है हर एक स्टूडेंट जो हमसे क्लास करेंगे लेके आ सकते हैं, 35 नंबर जो है 35 मार्क्स तो कम से कम अगर हंसते खेलते भी कीजिएगा ना 35 मार्क्स 40 में से लेके आइएगा, इसका हम गारंटी देते हैं आपको। हम जब नंबर लाए हैं तो आप जरूर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का मेंस वाले जो है पहले पीटी के बाद हम लोग मेंस को डिटेल से हम लोग क्लियर कर लेंगे। अरे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग लीजिए, ये आप लोग देखिए क्या है भैया, हाँ इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बीटेक किए हैं, बीटेक किए हैं अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किए हैं अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप आईटीआई किए हैं अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो पोस्ट है जैसे कि साइंस से जो लोग देखिए फिजिक्स और मैथ्स है जिनका क्लास ट्वेल्व वाले देखिएगा जिनका फिजिक्स और मैथ्स है वो भी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन का कुछ फॉर्म रहता है। एएलपी में जो है आपका एएलपी में आप अगर आईटीआई नहीं, एएलपी में अगर आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो तीनों कर सकता है, तीनों मतलब आईटीआई वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं और जो है आप लोग बीटेक वाले भी कर सकते हैं। लेकिन आपका टेक्नीशियन वाला जो फॉर्म है उसमें स्पेशल केवल आईटीआई कर सकते हैं, बीटेक वाले नहीं कर सकते हैं उसमें, न ही डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन वाले में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देख लिए, हाँ आपके किस आधार पे होगा, हाँ उसके बाद जो है ये केवल किसके लिए होगा तो ये आपका साइको टेस्ट है, ये आपका साइको टेस्ट है, ठीक है। साइको से टेस्ट में क्या है भैया, ये वही लोग के लिए है जो लोग एएलपी के लिए, अगर केवल है एएलपी का ही बस साइको होता है, टेक्नीशियन का साइको नहीं होता है। सब कुछ क्लियर हो गया आपके सामने सब कुछ। अब आइए ये है आपका कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, इस पर हम लोग लास्टली बात कर लेंगे। बहुत कुछ धीरे धीरे आपको और भी वीडियो लाएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि मेडिकल का क्या प्रोसेस है, क्योंकि एक एक हम अपना आंख वक्त सबको जांच करवा चुके थे, आपका आई टेस्ट कैसे होता है, एक एक चीज आपका एएलपी में जॉब दिलाने का पूरा गारंटी जो है हम आपको लेते हैं। और केवल हम नहीं, हमारे साथ आपका पूरा टीम खड़ा मिलेगा, आपको पूरा आप लोगों के लिए तहलका मचाने के लिए हम लोग टीम भी पूरा एकदम तैयार है। आइए देखिए आपका कब आ सकता है, जिस हिसाब से आपका 2024 में इलेक्शन है भैया, 2024 में इलेक्शन है, इस हिसाब से आपके पास पूरा जो है देखिए अभी जो है एक्शन मोड में है, नोटिफिकेशन आ रहा है 2 से 3 महीने में एग्जाम होने का चांसेस है, इस हिसाब से एक्शन मोड में है, 24 में इलेक्शन है, ये चीज आप भी समझ रहे हैं। 2018 वाला जो नोटिफिकेशन आया था ना पूरा जो है ज्वाइनिंग तक जो है 2019 तक ज्वाइनिंग तक होने लगा था क्योंकि इलेक्शन सामने था। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका दिसंबर, ध्यान दीजिए दिसंबर जो है 2022 या फिर दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 जो है आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम समय रहेगा क्योंकि ट्रेड भी आपको पढ़ना है, ट्रेड भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और हम आपका ट्रेड का भी क्लास करवाएंगे, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में बड़ा बड़ा पेमेंट कर दिए, छठ पूजा के जैसे एकदम तुरंत बाद हम लोग का एएलपी का पूरा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, एएलपी का एक एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, फैकल्टी भी बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम तैयार है आप लोग के लिए, ठीक है। हम तो आपको साइंस पढ़ाएंगे, ट्रेड पढ़ाएंगे, आपके लिए मैथ्स के फैकल्टी रखा जाएगा, रीजनिंग का होगा, उसके बाद पूरा तहलका मचाया जाएगा। चैनल पर नए हैं और एएलपी का तैयारी करते हैं खासकर, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और वीडियो को जरा सा शेयर कीजिएगा कि हर एक के पास वीडियो जो है पहुंच सके। धन्यवाद सभी को, लव यू ऑल। और पटना से आपको पूरा वादा दिलाते हैं कि पूरा भारतवर्ष में जो है अगर एएलपी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाएंगे तो देखिएगा कि कितना सिलेक्शन, ग्रुप डी में जैसे जो है काफी सारे स्टूडेंट को फायदा मिला है, एक एक स्टूडेंट से हम आपको मिलवाएंगे भी, अपने जो भी स्टूडेंट है एएलपी का स्टूडेंट से आपको हम मिलाएंगे और आपसे वादा करते हैं कि आपका भी पूरा जो है सिलेक्शन एएलपी में आपको दिलवा के रहेंगे। धन्यवाद सभी को, लव यू ऑल।